अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है स्पेशल मटन टिक्का कोयला कढ़ाई, जिसके लिए मैंने 1 kg मटन ले लिया है। अच्छे से इसको धो लिया है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है, उसे बारीक काट लिया है। लहसुन का एक जोड़ा ले लिया है, साबुत ले लिए हैं, ये पीसे नहीं हैं, साबुत ही डालने हैं। 4 अदद टमाटर ले लिए हैं, 2 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया। स्पाइसेस में मैं चाहिए लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका। बाकी मसाला जात में हमें चाहिए टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून, खुश्क मेथी 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस भी शामिल करनी है। तो आइए व्यूवर्स, आज की रेसिपी रेडी करते हैं। सो व्यूवर्स, गोश्त जो है कुकर में डाल दिया है, अब इसमें 2 ग्लास पानी भी डालें और साथ डालेंगे प्याज। लहसुन, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और तकरीबन आधे घंटे तक इसको पकाएंगे अभी, ताकि अच्छे से गल जाए गोश्त। सो व्यूवर्स, फ्राई पैन में ऑयल डाल दी है तकरीबन 5 टेबल स्पून। अभी इसमें जो गोश्त हमने गाला था कुकर में, उसको फ्राई करेंगे अभी। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। सो व्यूवर्स, अभी एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें टमाटर जो है वो मैंने यूज़ किए हुए थे, वो क्रश के लिए। अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसका मसाला रेडी करेंगे। टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें शामिल करेंगे कुछ धनिया, खुश्क मेथी, जिंजर पाउडर, वाइट पेपर, जीरा, ब्लैक पेपर, टिक्का मसाला, कढ़ाई मसाला भी 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करना है, 1/2 टेबल स्पून पपरिका पाउडर जस्ट फॉर कलर, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। अब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, इसके बाद इसमें गोश्त शामिल करेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। सो व्यूवर्स, अभी कोयला गर्म कर लिया है, फॉइल पेपर रखा है, हल्का सा इसके ऊपर तेल डाल देंगे और इसको दम देंगे ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। फाइनल लुक आपको फिर इसके बाद चेक कराते हैं। सो व्यूवर्स, हमारी स्पेशल मटन टिक्का कोयला कढ़ाई रेडी है। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।